हेलो दोस्तों, आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास में बहुपद का जो है क्या नाम है एक्सरसाइज जो है आपके पास प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल छूटे हुए थे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके पास में अगर आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हैं बेटा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मैं आपसे बात डेली ये बात कहता हूँ और आपसे कहता रहूँगा क्योंकि आप ही सोर्स है जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आप बेशक, मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो मेरी मदद आप भी करिए, जैसे कि आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलेगी, उतना ज़्यादा मैं आपको क्लास दूंगा। ठीक है, आपके पास में तो आगे बढ़ते हैं, हम उदाहरण नंबर 3 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 3 बेटा, किताब आपके पास होगी तो आप किताब रखिए पासवर्ड में और क्वेश्चन को देखिए और उसको मैं समझा रहा हूँ और सोल्यूशन करवा रहा हूँ के पास में। ठीक है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यांक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यांक ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के क्या निकालना है, शून्यांक। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यांक निकालना है। ठीक है, आगे और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो पहले हम शून्यांक निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पास जो है ये बहुपद जो है वो इस कैटेगरी का नहीं है। इसमें जो नियतांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ एक्स नहीं है। जब एक्स नहीं है और शून्यांक जब निकालेंगे इस तरीके क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, उस बहुपद को जीरो के बराबर, जब भी किसी का शून्यांक निकालना है तो बहुपद को जीरो के बराबर कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, बहुपद को जीरो के बराबर कंसिडर कर लीजिए आप। ठीक है, तो अब शून्यांक का मतलब क्या, हमारे पास में बहुपद को जीरो के बराबर कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, या तो मत करिए, रहने दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास में एक्स स्क्वायर, माना एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई थ्री, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। ये प्लस माइनस क्यों, क्योंकि आप देखिए किसी भी ऋणात्मक का वर्ग करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी धनात्मक, और अगर धनात्मक का वर्ग करेंगे तो भी वैल्यू, जैसे -2 का स्क्वायर करें तो आया 4 बेटा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा 4। धनात्मक का करें ऋणात्मक करेंगे तो आ रहा है धनात्मक, लेकिन अगर आप 4 का स्क्वायर रूट रखें, अंडर रूट निकालें, तो 4 का जब अंडर रूट निकालेंगे बेटा तो ये, अब ये 4 का जब अंडर रूट है या तो ये माइनस का टू दे या तो प्लस का टू दे, अब कौन सा देगा नहीं पता, तो इसलिए हम दोनों मान के चलते हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो अल्फा की वैल्यू हो गई आपके पास में रूट थ्री, बीटा की वैल्यू हो गई बेटा माइनस का रूट थ्री, तो शून्यांक आपको पता चल गया। ठीक है, शून्यांक शून्यांक आपके हो गए अल्फा बराबर रूट थ्री और अल्फा बीटा बराबर माइनस का रूट थ्री। अब बात होती है यहाँ पास कि आप इसमें जो है संबंध कैसे स्थापित करेंगे, तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या है आपके पास, गुणांकों का आपके पास में शून्यांकों का योग, शून्यांक का योग योग अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए होता है। ठीक है, देखिए अल्फा की वैल्यू रूट, अल्फा की वैल्यू आपके पास रूट थ्री, बीटा की वैल्यू माइनस का रूट थ्री इक्वल टू माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स है क्या इसके साथ, एक्स है ही नहीं है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स का गुणांक जीरो हो गया। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है वन है, तो वन हो गया, तो रूट थ्री माइनस रूट थ्री हो गया जीरो, उधर भी हो गया जीरो, एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस। सारे सवाल में इसी तरीके से करना पे, शून्यांक निकालने के बाद में इसी तरीके से करना है। ठीक है, शून्यांकों का योग हमने निकाल लिया, शून्यांकों का गुणांक शून्यांकों का गुणन क्या हो गया आपके पास में अल्फा बीटा, ये होता है सी बाई ए, अल्फा बीटा गुणे सी बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू है रूट थ्री बेटा, बीटा की वैल्यू भी है रूट थ्री, सी का मतलब क्या आपके पास में, सी है माइनस का रूट थ्री और ए का मतलब है वन, तो रूट थ्री की वैल्यू हो गई माइनस का थ्री और ये भी हो गया माइनस का थ्री। तो इस तरीके से एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस हुआ, तो हमें ये पता चला
ये आपके पास में दोनों गुणांक जो है आपके पास में दोनों का जो आपके पास संबंध है सभी के शून्यांकों का और आपके पास में गुणांकों का जो आपके पास में संबंध है वो क्या है? सत्यापित है। संबंध क्या है? सत्यापित है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके पास में पहला सवाल, उदाहरण दो। अब हम चलते हैं उदाहरण तीन की तरफ। ठीक है, उदाहरण तीन की तरफ चलें। हो गया उदाहरण तीन, हो गया उदाहरण चार की तरफ चलते हैं। उदाहरण चार, उदाहरण पांच आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, उदाहरण पांच नहीं करेंगे हम। अगर आप नहीं नोट कर पाए बेटा तो आप पीछे आकर के, बैक साइड आकर के आप इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। उदाहरण चार के आपके पास, मैंने आपके पास इसमें तीन चीज बताया था फार्मूले में। एक तो आपके पास दो संबंध बताया था, ठीक है, शून्यांकों का संबंध आपके पास गुणांकों के साथ में, ठीक है, तो गुणन जो आपके पास में, गुणांक जो आपके पास में उसके साथ संबंध अल्फा प्लस बीटा का बताया था, अल्फा बीटा का बताया था। लेकिन एक आपके पास बहुपद बनाने वाला मैंने बताया था आपके पास में। तो आपके पास बहुपद बनाने के लिए क्या है आपके पास में, समझते हैं। तो बहुपद बनाने के लिए एक फार्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, आपके पास में एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक फार्मूला ये था, एक फार्मूला मतलब कंसेप्ट था अल्फा बीटा माइनस का बी बाई ए, और एक था आपके पास अल्फा बीटा सी बाई ए। बस ये तीन ही आपको रखना है द्विघात में, बस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उदाहरण चार हमसे कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ये तो द्विघात बहुपद है, इसी को ज्ञात करना है, जिसके शून्यांकों का योग, योग दिया गया है, शून्यांकों का योग आपके पास में, शून्यांकों का योग दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये योग दिया गया है। कितना दिया गया है बेटा? माइनस का तीन, तथा गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कितना है? अल्फा बीटा, वो कितना है बेटा? दो है। शून्यांकों का योग तथा गुणनफल माइनस तीन और दो है, तो जो पहले बोला गया है उसका नंबर पहले आएगा। ठीक है, अब हमको बोला गया है कि अब बताइए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या हो गया? द्विघात बहुपद में अगर देखें तो हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा सम माइनस का तीन, अल्फा बीटा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस का टू, ये हो गया आपके पास बहुपद जो हमें चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपके पास से, बहुत इजी है आपके पास चैप्टर से, इसको मैंने और भी इजी बना दिया। ठीक है, नोट करिए आप, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, एग्जाम्पल आपके पास चार है। चलिए अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में अगर बात करें तब क्या होगा हमारे पास, समझना। एग्जाम्पल पांच हो गया, प्रश्नावली 2.2 में जो पहला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का एट, ठीक है, पहला सवाल कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इनके शून्यांक निकालना, शून्यांक निकालना मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके पास में, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना, तो सत्यता की जांच कर लीजिएगा। मैं सबके गुणांक ने फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर, सबके शून्यांक निकाल के मैं बता दे रहा हूं, सबके शून्यांक निकाल के बता दे रहा हूं, आप सत्यता की जांच कर लीजिएगा। ठीक है, कल भी एक सवाल मैंने करवाया और आज भी मैं करवा रहा हूं, तो मैं यहाँ पास केवल आपको इसके गुणांक निकाल के बता दे रहा हूं, बस गुणांक। ठीक है, तो गुणांक निकाल के बताएंगे, वन का आठ के साथ आठ किया, आठ के फैक्टर वन दो चार और खुद आठ, ठीक है, प्लस माइनस कर लीजिए। ऐसा क्या हम करें इसमें कि यहां पास दो बन जाए आपके पास, ठीक है, आपके पास में क्या बन जाए? दो बन जाए, क्लियर है। तो हम चार माइनस
चार माइनस दो कर ले तो दो बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस चार माइनस दो माइनस का आठ, तो एक्स स्क्वायर माइनस चार ये अंदर जाएगा, माइनस का चार पीछे से ये आ जाएगा एक्स, माइनस का प्लस हो जाएगा दो पीछे से ये आ जाएगा एक्स माइनस का आठ। अब पेयर बना लो, एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस चार बेटा, यहां से दो कॉमन लिया एक्स माइनस चार, एक्स माइनस चार दोनों जगह से कॉमन लिया एक्स प्लस दो बन गया, ठीक है। तो अब अगर हमें शून्यांक निकालना है तो आपके पास में जो गुणनफल आया है वो शून्य होना चाहिए। तो शून्यांक के लिए, ठीक है, शून्यांक के लिए एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आएगी फोर, ठीक है, और करके एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का टू। तो एक का नाम अल्फा कह दीजिए, एक का नाम बीटा कह दीजिए। तो अब उसके बाद सत्यता की जांच कर लीजिए, अल्फा बीटा यानी शून्यांक पता हो गया बेटा आपका। दूसरा हमारे पास सवाल ये है, इसका दूसरा पार्ट ये है, फोर एस स्क्वायर माइनस का फोर एस प्लस का वन, प्लस का वन, ठीक है। तो फिर से फोर का मल्टीप्लाई किया आपने, फोर इंटू वन इक्वल टू फोर, फोर का फैक्टर वन टू और खुद फोर, ऐसा क्या आप करिए फोर एस प्लस का वन आपके पास में, फोर एस स्क्वायर माइनस का फोर एस, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है बेटा, कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलिए बेटा देखिए, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बात करते हैं कि यहाँ पास, क्योंकि मोबाइल बहुत गर्म हो जाता है इसी वजह से दिक्कत हो जाती है थोड़ा सी। फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस, इस तरीके के सवाल में देखिए यहाँ पास ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जिसका दो दो वैल्यू उठाए और यहाँ पास का क्या योग करें तो हमें बीच वाला नंबर मिल जाए। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पास से जब दो वैल्यू उठाने पर, कोई भी दो वैल्यू उठाने पर नहीं मिल रहा, तो हम ऐसा कोई एक नंबर देखते हैं जिसको डबल जोड़ने पर आपके पास में, डबल जोड़ने पर आपके पास में नंबर मिल जाए। तो जैसे दो को यहाँ पास क्या कर दें, सॉरी एस माइनस टू प्लस टू एस प्लस का वन, तो कितना हो जाएगा फोर एस स्क्वायर माइनस का टू एस माइनस का टू एस प्लस का वन, ठीक है बेटा। अब पेयर बनाया हमने, पेयर बनाए यहां से टू कॉमन आएगा, एस कॉमन आ जाएगा, टू और एस कॉमन आया, टू बच गया, एस बच गया, माइनस का वन बच गया। यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम चिन्ह ही बाहर निकाल लेंगे, तो टू एस माइनस का वन, तो टू एस माइनस का वन और टू एस, टू एस माइनस का वन और टू एस माइनस का वन, ठीक है। तब माना आपके पास में टू एस माइनस का वन बराबर का जीरो, तो एस की वैल्यू आ गई बेटा वन बाई टू, ठीक है, और दूसरे में से भी एस की वैल्यू वन बाई टू ही आएगी आपके पास में। तो दोनों शून्यांक, एक का नाम हो गया अल्फा, एक का नाम हो गया बीटा, अल्फा बीटा दोनों क्या है सेम है बेटा, ठीक है। इसका तीसरा नंबर आपके पास करें, अपना आप करते रहिएगा, ठीक है, मैं शून्यांक निकाल के बता दे रहा हूं आपके पास में और आप बनाते रहिएगा, सत्यता की जांच करते रहिएगा, ठीक है। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री माइनस का सेवन, सिक्स का सेवन मल्टीप्लाई हुआ, सिक्स इंटू सेवन दैट इज बाय 42, 42 अगर हुआ तो इसको हम करें, एक हो गया टू, एक हो गया थ्री, एक हो गया आपके पास में सेवन, ठीक है। तीन ऐसे टर्मिनोलॉजी हो गए हैं जिससे हमें मिल रहा है टू थ्री सेवन करके मिल रहा है, ठीक है।
और फिर 14 भी मिल रहा है। ठीक है, 21 भी मिल रहा है। फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, जो गुणनखंड हो सकते हैं इसके, अभाज्य गुणनखंड नहीं, भाज्य गुणनखंड भी लेंगे आपके पास में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे आपके पास में, और 42 भी है आपके पास में। ठीक है, 42 भी है, तो इस तरीके से आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक ये हो गया बेटा कि यहाँ पास हम J7X है, इसको इसको ये गलत हो गया। फिर ये आप अरेंज कर लीजिए, 7 -7x को पहले और -3x को बाद में, तो अभी होगा 6 × 3 दैट इज 18। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 6 और 9। ऐसा क्या लें आप किसमें 7 बन जाए, तो 9 और 2 ले लेते हैं बेटा, 9 और 2 लेते हैं तो 7 बनेगा। ठीक है, 9 और 2 लेते हैं तो 7 बनेगा। ऐसे दो नंबर करना है कि जिनका प्रोडक्ट भी आ पाते हैं। अगर आप सोचते हैं 6 और 1 लेते हैं 7 बन जाएगा, तो 6 × 1 6 ही मिलेगा, तो 9 × 2 लेना पड़ेगा आपके पास में। प्रोडक्ट भी आपके पास जो है वो आना चाहिए, तो 9 में से 2 गया, 6x² 9x + 2x 3। 6 और ये पेयर बनाया, 3 का मन आएगा, एक्स का मन आएगा बेटा। ठीक है, तो 2x बच गया, यहां पास 3 बच गया, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा 2x - 3। 2x - 3 बाहर आ गया, अंदर बच गया 3x + 1। तो इसमें से ये आप मान ले कि ये 0 ये 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 3/2 और x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। तो आपके पास में एक का नाम अल्फा होगा और एक का नाम बीटा होगा आपके पास में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब इसका चौथा पार्ट, 4u² - 8u। इसमें देखिए नियतांक नहीं है, नियतांक नहीं है तो गुणांक होगा ही नहीं, इसका गुणांक किसके साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो नियतांक जब नहीं है तो हम लिए 4 कॉमन u कॉमन, दोनों में से 4 और u कॉमन लिया, 4u कॉमन लिया, तो यहां बच गया u बेटा, यहां बन गया 2। ठीक है, तो एक गुणनखंड ये हो गया और एक गुणनखंड ये हो गया, तो हो गया 4u को मान लेते हैं, 4u = 0, तो u की वैल्यू आएगी 0, तो u + 2 = 0, तो u की वैल्यू आएगी -2। एक हो गया अल्फा 0 और बीटा हो गया -2। आगे ये आपके पास में t²-15 एग्जांपल मैं 3 जो करवाया हूं उसी तरीके से आपको करना है इसको। मैं इसका चौथा हिस्सा करवा दे, लास्ट हिस्सा, 3x² - 4। ठीक है, 3 × 4 = 12 = 12 के कितने फैक्टर बनेंगे, 3 × 4 = 12 के फैक्टर हुए 1 2 3। फैक्टर की बात कर रहा हूं आपके पास में, गुणनखंड चाहे भाज्य लिखे चाहे अभाज्य लिखे, यहां पास दोनों से काम चलेगा, 6 4 × 12। ऐसा कोई नंबर उठाइए जिसका 1 आए आपके पास में, तो मैंने लिया आपके पास 2 और 1 से 1 आ रहा है, लेकिन 2 और 1 का प्रोडक्ट करने पर 12 नहीं आ रहा आपके पास में। ठीक है, तो नहीं ले सकते आप। 3 और 4 की अगर बात करें, 3 और 4 को अगर देखें तो 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ रहा है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई भी 12 आ रहा है, लेकिन 3 और 2 का अगर देखें सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिलेगा, लेकिन 3 और 2 का मल्टीप्लाई 12 नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके पास जो ले रहा है उसका मल्टीप्लाई भी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, 4 - 3x - 4। x कॉमन लिया,
3x और ये 4 बन गया, यहां पास 1 कॉमन लिया, 3x माइनस का 4 बन गया, 3x माइनस का 4 कॉमन लिया, x प्लस का 1 बच गया। अब इसमें इसको जीरो कर ले, इसको जीरो कर ले, जब इसको आप जीरो करेंगे तो आपके पास में 3x माइनस 4 ठीक है इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 4 प्लस 4 बन जाएगा उधर जा करके, माइनस 4 प्लस 4 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 4/3। इस तरीके से सब में करना था आपको। अब x प्लस 1 बराबर 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो अल्फा का मान एक हो गया 4/3 और बीटा का मान हो गया 1 इस तरीके से ठीक है। तो आपके पास में क्वेश्चन 1 हो चुका है बेटा, आप सत्यापित कर लीजिएगा, सत्यापित करना आपका काम है, सत्यापित मैंने बता दिया था। अगला इसका जो सवाल है उसको भी डिस्कस करते हैं। अगला सवाल ये, पॉज करिए वीडियो को बेटा और नोट कर लीजिए ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं मोबाइल फिर हिट तो नहीं हो गया। चलिए बेटा इसे बार बार चेक कर इससे करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट के कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि लास्ट तक वीडियो चलते चलते 2-3 सेकेंड या 4 सेकेंड तक आपके पास में आवाज ही गायब हो जाती है ठीक है, आवाज ही आपके पास में नहीं आती है, बंद हो जाती है, तो वो हीट होने की वजह से होता है, आपके पास में हीट हो जाता है मोबाइल तो ऑटोमेटिक अवॉइड रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, वॉइस रिकॉर्डिंग। तो अब हम दूसरा सवाल करने जा रहे हैं, दूसरा सवाल क्या कहता है हमसे समझ लें, दूसरा सवाल हमसे कहता है बेटा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद है क्या, द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा, ये है हमारे पास द्विघात बहुपद। अब जब द्विघात बहुपद हमको मिल चुका है तो कह रहा है जिसके शून्यांकों के योग, योग मतलब पहले वाला योग है तथा गुणनफल, दूसरा वाला गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, तो पहले वाले का हम देखें, पहले वाले में योग अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग 1/4 है, प्रोडक्ट गुणनफल माइनस का 1 है, तो रखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई बेटा 1/4 एक्स और अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर निकल के आया 1/4x और माइनस का 1। अब देखिए जिन भी संख्या के साथ में हर कुछ ना कुछ है तो हर का ले लीजिए लासा, हर का ले लीजिए लासा और लासा से पूरे समीकरण को पूरे बहुपद को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका हर है 1, इसका हर है 4, इसका हर है 1, तो 1, 4 और 1 का जो लासा आएगा 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर, इसके साथ गुणा हुआ तो ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा x बचेगा, इसके साथ गुणा हुआ तो ये वही होगा आपके पास रिक्वायर्ड बहुपद आपके पास ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में दूसरे वाले सवाल में योग दिया गया है √3 √2 बेटा ठीक है, √2 दिया गया है और जो गुणनफल है वो 1/2 दिया गया है, 1/3 बेटा 1/3 गुणनफल जो है 1/3 आपके पास में। तो फिर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 ठीक है, आप यहां लिख के बताएंगे सब में, जो भी सवाल करेंगे आप बताएंगे कि भैया ये बहुपद है ठीक है एक्स और फिर प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस को √2x प्लस 1/3, हर में 3 है इसके साथ कुछ नहीं है तो 3 का गुणा कर दिया लासा लेकर के 3x स्क्वायर 3√2x प्लस का 3, ये हो गया आपके पास बहुपद ठीक है। चौथे वाले में तीसरे वाले में हमसे कह रहा है कि जो सम है योग जो है वो 0 है, प्रोडक्ट जो है आपके पास में √5 है, यहां आप बहुपद वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा नीचे जहां मैं लाइन खींच दिया, अब मैं क्यों डायरेक्ट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर योग कितना है 0, प्रोडक्ट कितना है √5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का √5 ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का √5
बेटा यहाँ पास √5। सवाल में कुछ मिस्टेक है क्योंकि निगेटिव तो बनना नहीं चाहिए, आपके पास में निगेटिव बना हुआ है, देख लीजिएगा। सवाल प्रिंटेड मिस्टेक है मेरे ख्याल से शायद कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल करते हैं, बाकी का आप सवाल लगा लेंगे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, मैं आप पांचवा करवा दे रहा हूँ, बाकी आप सब कर लेंगे। हम तो पांचवा नंबर करवा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि सब इसी तरीके से हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है हमारे पास में, योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 माइनस में, और जो गुणन है अल्फा बीटा उसकी वैल्यू है 1/4 प्लस में। ठीक है, तो आया हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/4 एक्स, अल्फा बीटा कितना है 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा एक्स बाई फोर प्लस 1/4, इसके हर में 1, इसके हर में 4, इसके हर में 4, टोटल आया लासा 4, 4 का गुणा कर दिया, इसके साथ जब गुणा हुआ तो एक्स बचेगा, इसके साथ गुणा हुआ तो एक बचेगा, ये हो गया आपके पास रिक्वायर्ड बहुपद। इस तरीके के सारे सवाल आपके एक्सरसाइज के हो गए हैं आपके पास में, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। तो पॉज करिए वीडियो को और नोट कर लीजिए, बस मेरी एक रिक्वेस्ट आप हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा करूंगा, बस आपको अगर मुझे मोटिवेट आपको करना है, मुझे ऊर्जा देनी है, आपका जो एक सब्सक्राइब जो है, एक सब्सक्राइब बहुत बड़ी ताकत मुझे दे सकता है, ठीक है, बहुत बड़ी ताकत दे सकता है। अगर मुझे ताकत यानी आपके पास एनर्जी देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। मेरा उद्देश्य केवल गाँव के बच्चों तक पहुँचना है, ठीक है, गाँव के बच्चों तक जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पहुंचाइए, उनसे कहिए कि ऑनलाइन जुड़ें और मेरे थ्रू वो स्टडी कंप्लीट करें, उनका पूरा का पूरा बोर्ड का सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा, जितना जैसे आप कहेंगे दोबारा कहेंगे तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया उस टॉपिक को दोबारा मैं समझा दूंगा, ठीक है। बस आप रेगुलर बने रहिए, आपको हमेशा रेगुलर आपको नई नई वीडियो आपको मिलेंगी आपके पास, हर एक चैप्टर को कम्प्लीटली पूरे क्वेश्चन के साथ कंप्लीट किया जाएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन रिपीट है उनको छोड़ा जाएगा, क्योंकि वो आप कर सकते हैं फिर दोबारा जब मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, कल मिलते हैं बेटा इसी समय, ठीक है, बने रहिए आप, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।